किरण्स फूड किचन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? खैरियत ठीक है ना? आज हम बनाएंगे चना मसाला। ये मेरा एक कटोरी चना भीगा हुआ, अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। तो चलिए, मेरे उबल गए हैं चना, आगे देखते हैं मसाले। ये है प्याज, धनिया, थोड़ा एक लहसुन, थोड़ी सी मिर्ची और कुछ थोड़ा सा टमाटर। कढ़ाई रख दिया है हमने, अब इसमें डालेंगे हम तेल। तेल गर्म हो गया है, अभी इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, डालेंगे थोड़ा सा जीरा, उसके बाद डाल देंगे हमारा हरी मिर्च, लहसुन। इसको अच्छा थोड़ा लाल होने देंगे। ये हो गए हमारे, अभी देखो हमारे प्याज थोड़े लाल हो गए, तो अभी हम इसमें डाल देंगे मसाले, थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हमारे डालेंगे ये थोड़ा सा पानी, जिससे ये मसाले हमारे जले नहीं। ये थोड़ा हमारा भून के हो गया, अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर, ये कटे हुए टमाटर है, तो थोड़ा पकने देंगे। और इसमें थोड़ा सा नमक तो हमने उबालने के टाइम पे डाले हैं, पर इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा इसको गलने दें। देखो अभी हमारे टमाटर गल गए, अभी इसमें डालेंगे हम चलिए ये उबले हुए चना डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और इसमें डाल देंगे थोड़ा नींबू, थोड़ा डालेंगे, थोड़ा डालेंगे धनिया, थोड़ा ऊपर से डालेंगे, तो एक दो मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा डाल देंगे इसमें चाट मसाला, ये हो गया थोड़ा। अब जो हमारे पानी बचे हुए इसमें डाल देंगे, इसमें डाल के इसको अच्छे से थोड़ा पका लेंगे, जिससे ये और सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए। देखिए पक गए हमारे चने, सूख गए अच्छे से, अभी इसको हम निकालते हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये बन गए मेरे चने मसालेदार चटपटे चने, चना मसाला। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा धनिया, इसमें हमने नींबू निचोड़े हैं, अब चाहे तो इसमें नींबू भी निचोड़ के खा सकते हैं ये। और ये रेडी हो गए हमारे काले चने चटपटे मसालेदार।